घंटे ही कब आ गया ना। प्यार भरी सत श्री अकाल, जय बोले कि कैसे हो आप, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो रात अपनी गुजरी थी इधर रहन बसेरा में, बेघर लोगों के लिए एक रहन बसेरा बना हुआ है चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो अभी हम चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं, तो रात इधर रुक गए थे, बड़ी अच्छी रात गई, बड़े अच्छे रात लोग मिले थे, खाना पीना अपना हो गया था। और अभी हो चुकी है सुबह, सुबह के बज चुके हैं 9 और हम निकलने लगे हैं गंगोत्री की ओर। शायद पहले गंगोत्री जाएं या यमदोत्री जाएं, वो तो ऑन द वे जाकर ही पता लगेगा। बट मेरे को लगता है आज की हमारी स्टे होगी जो श्रीनगर में होगी, क्योंकि इधर से अभी भी 120-130 के आसपास जो है श्रीनगर पड़ा है। तो अपने बैग पैक हो चुके हैं, निकलते हैं, करते हैं सुबह का भोजन, फिर चलते हैं श्रीनगर की ओर, मिलते हैं थोड़े टाइम में जब भोजन करते हैं। तो सुबह का ब्रेकफास्ट है जो अपना हो चुका है, और श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा जो 22 तारीख को खुलने वाली है, अपने पास 7-8 दिन बचे हैं गंगोत्री यमदोत्री का यात्रा करके हमने फिर वापस चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही आना है, इधर ही आना पड़ेगा। और इधर से हेमकुंड साहिब का सफ़र है जो टोटल 22 से 30 किलोमीटर है, तो वो तय करना है। मतलब हम 22 तारीख को श्री हेमकुंड साहिब यात्रा करने के लिए जाएंगे। अभी हम निकल चुके हैं इधर से चमोली से, थोड़ा सा वॉक करते हैं, आगे जाके लिफ्ट का ट्राई करते हैं या तो गाड़ी बस मिल जाएगी, क्योंकि यार कल अंकुश को भी चक्कर आने लग गए और मेरे को भी चक्कर आने लग गए थे, क्योंकि गाड़ी घूमती जाती है और गाड़ी इतनी कंजस्टेड हो जाती है ना, जहाँ 4 बैठते हैं उधर 5 बैठा देते हैं ये लोग, तो इतना तंग होके जाना पड़ता है। तो ट्राई करते हैं कोई ना कोई लिफ्ट मिल ही जाएगी, तो चलते हैं, मिलते हैं आपको रास्ते में थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों पूरा आधा घंटा सफ़र तय करने के बाद ना वॉक करते करते जा रहे थे, पर शुक्र है इधर में ना नाका लगा हुआ था पुलिस वालों का, उन्होंने बस रोक दी और हमें भी जगह मिल गई। हमने रिक्वेस्ट कर दी, बिठा तो नहीं रहे थे, रिक्वेस्ट कर दी उन्होंने तो बिठा लिया, ये बस जाएगी सीधा श्रीनगर तक। तो चलते हैं बस में बैठकर, देखते हैं कितने घंटे का सफ़र रहेगा, 100 किलोमीटर है इधर से। और खाना पीना सुबह का जैसा कि पता आपको हो गया, अभी हम गंगोत्री यमदोत्री का सफ़र तय करते हैं। 2 धाम अपने हो गए हैं, 2 बच गए हैं, तो चलते हैं धीरे धीरे अपना सफ़र तय करते जाते हैं। 10 दिन है, 10 दिन के बीच हमने 2 धाम करने हैं, उसके बाद दोबारा इधर आना है, क्योंकि 22 तारीख को हेमकुंड साहिब खुल रहा है। तो चलते हैं, वेट करते हैं इधर 5-10 मिनट, इतने बस रुकी है, फिर निकलते हैं इधर से। बड़ी है ना, 2-3 घंटे की तपस्या करने के बाद गाड़ी रुकी है। आगे बैठे थे ना, थोड़ा सा कंजेस्टेड होकर बैठे थे, बैठे तो मजे से थे, पर नीचे बैठे थे ना थोड़ा सा तंग हो जाता है, जब गाड़ी बाउंस करती है इधर उधर जाती है तो तंग हो जाता है बंदा, है ना। तो अभी हम रुद्रप्रयाग के आसपास पहुंच गए हैं, इधर से अपना सफ़र अभी भी है ना 50-60 किलोमीटर पड़ा है श्रीनगर। तो मजे से शाम तक तो नहीं, 2-3 घंटे के अंदर अंदर पहुँच जाएंगे। अभी सुबह के ऑलमोस्ट 11:30 बज चुके हैं, चेक कर लेते हैं, 12 बज चुके हैं यार, 12:18 हो गया। तो सुबह से हम नहाए नहीं हैं, तो इधर में कहीं पानी ढूंढते हैं, नहा भी लेते हैं और गर्मा गर्म अपन भोजन भी इस ढाबे से कर लेते हैं। तो पहले जाकर पीछे चेक करते हैं कुछ है नहाने नहुने के लिए, पानी मिल जाए थोड़ा सा, यार 2 बूंद पानी चाहिए होता है, वो मिल जाए बहुत है, मज़े से नहा लेंगे हम। टैंकियाँ तो लगी हुई हैं यार इधर, देखते हैं है नहाने का। ओहो भैया, नहाने के लिए मिल जाएगा थोड़ा पानी, चलो कोई बात नहीं, शाम को नहा लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5-10 मिनट इधर रुकते हैं, फिर खाना खाते हैं, देन निकलते हैं आगे की ओर, करते हैं अपना सफ़र। लो जी, सुबह का गर्मा गर्म भोजन अपना लग के तैयार हो चुका है, और भोजन में अपने पास आप देख सकते हो अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन लग गए हैं। तो ठीक है, सुबह का अपना अपनी भोजन करते हैं और फिर निकलते हैं श्रीनगर की ओर। नहा धो लिए यार, चोरी छिपे नहा लिए, इनको पता ना लग जाए कहीं अंदर घुस गए, जहाँ पर इनका स्टाफ रहता ना वो रूम खाली पड़ा था, उधर ही नहाते थे, हम भी उधर घुस गए नहा लिए, अभी थोड़ा सा अच्छा भी हो रहा है। तो ठीक है, अपना भोजन करते हैं, फिर करते हैं आपको।
तो दोस्तों 2-3 घंटे का सफ़र करने के बाद हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर में। ये श्रीनगर है उत्तराखंड वाला, कश्मीर वाला नहीं है, कहीं कश्मीर वाला सोच लो। तो इधर से अभी उत्तरकाशी का सफ़र ऑलमोस्ट एक दिन का हमारा बचा है, जहां पर हमने गंगोत्री जाना है। बट आज हमने डिसाइड किया कि हम इधर ही रुकेंगे, क्योंकि यार कपड़े धोने वाले हैं हमारे, तो एक भी पेयर नहीं बचा अभी, सारा कुछ ना धोने हैं, शूज़ भी गंदे हो गए, शूज़ भी धोने हैं। तो इधर पास में एक गुरुद्वारा है, तो गुरुद्वारे में जाकर रुकते हैं। और तो इधर है ना अभी पास में गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे में रुकते हैं और कपड़े कपड़े धोते हैं, रिलैक्स करते हैं। यार पता नहीं क्या चक्कर है पहाड़ों में ना, आजकल घूमते घूमते सिर घूमने लग गया और पेन होने लग जाती है हेड पे। तो अभी हम जूस पी रहे हैं, दोपहर का लंच ही कर रहे हैं एक तरह का, हल्का फुल्का सा। तो चलते हैं गुरुद्वारे की और अपने कपड़े कपड़े धोते हैं और थोड़ा खाने पीने का शाम का करते हैं जुगाड़, फिर मिलते हैं आपको। तो दोस्तों फाइनली हम गुरुघर में आ गए हैं और हमें रहने के लिए ये बड़ा सा हाल मिल गया है। और अभी है ना हम थक बहुत ज़्यादा गए हैं यार सच में, वो ना बस घूमती गई, ऐसे ऐसे चक्कर भी आते गए और सिर भी बहुत दुखने लग गया। और अपने बैग के अंदर है ना जितने भी अभी कपड़े हैं सारे धोने वाले हैं, तो कपड़े भी धो लेंगे, रिलैक्स भी हो जाएगा, सुबह मज़े से निकलेंगे कपड़े धोकर, है ना। अभी धूप भी अच्छे खासे सूख जाएंगे, 5-10 मिनट इतने रिलैक्स करते हैं। साबुन सुबुन लेकर आनी पड़ेगी यार कपड़े धोने वाली। और फ़ोन का भी एक करवाना है यार, फ़ोन है ना ये देखो टूट गया इसका ग्लास गार्ड, पता नहीं ग्लास टूटा है, पता नहीं क्या चक्कर है, अभी ये भी करवाना है। तो ठीक है 5-10 मिनट रिलैक्स करते हैं फिर चलते हैं, घुमाते हैं आपको थोड़ा सा श्रीनगर। कश्मीर वाला होता तो इधर आर्मी दिखाई देती, ये वैसे उत्तराखंड वाला है, मिलते हैं बाद में। हाँ देख रहे हो ना कितने ज़्यादा कपड़े हैं धोने वाले यार, मुकने का नाम ही नहीं ले रहे। अभी 5-6 पेयर तो मैंने धो दिए हैं और 5-6 और रह गए हैं, ये पूरे ना एक वीक के कपड़े हैं अपने पास, एक वीक के कपड़े धोने हैं। मम्मी जी तो नहीं है ना इधर यार, खुद ही सारा कुछ करना पड़ता है, आपको पता ही है। ओहो थक भी जाता है यार बंदा, ये गलती होगी हमारे से, हमने कपड़े इकट्ठे कर लिए ना, इकट्ठे करने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ये कपड़े धो रहे हैं, लगे हुए हैं, इतना शुक्र है कि अभी तक ना कपड़ों में से स्मेल नहीं मारने लगी, ये सबसे अच्छी चीज़ है, नहीं तो जो बदबू आने लग जाती है ना कपड़ों से फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाता है यार, फिर इरीटेशन होने लग जाती है। अभी धो दिए, अभी मज़े से अपने 2-3 हफ्ते निकल जाएंगे। तो ठीक है मैं इतने कपड़े धोता हूँ यार अपने, फिर मिलता हूँ बाद में आपको, घुमाते हैं थोड़ा सा श्रीनगर शहर आपको। देख रहे हो ना लाइन में सारे कपड़े लगे हुए हैं, सारे अपने हैं यार, उधर से शुरू होते हैं वो उधर तक लाइन सारे अपने हैं, इतने ज़्यादा कपड़े धोए गए। अभी कपड़े का एक पेयर और बच गया है, वो जो हमने पहन रखा है ये रात को धो लेंगे जब हम सोने लगेंगे, क्योंकि कोई ना एक अद्धा कोई ना कोई सूख जाएगा इनमें से, वो पहन लेंगे, ये धो के सुखा देंगे यार। ओ रब्बा थक गए यार, कपड़े धोते धोते हाथ भी दुखने लग गए, साबुन से धोने पड़े ना, मशीन भी नहीं मिली। आगे से ध्यान रखेंगे, हफ्ते में कपड़े धो ही देने हैं, अगर 2 हफ्ते हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कपड़े धोना। तो ठीक है अपने कपड़े अभी धोए गए हैं, इतने रिलैक्स करते हैं यार, थक गए सच में यार बहुत ज़्यादा, कपड़े धोता धोता ही थक गया। तो अभी रिलैक्स करते हैं बाद में मिलते हैं आपको, ठीक है। ओ रब्बा हवा ही इतनी तेज चल रही है ना, सारे कपड़े गिर के इधर उधर चले गए हैं यार, और भाई देख रहे हो ना कितने कपड़े टांगे थे मैंने, सारे इतने ही रह गए, अभी मेरे को सारे नीचे लेके जाने पड़ेंगे रूम में, सूख गए हुए, वाह क्या बात है, थोड़े थोड़े रह गए सूख जाएंगे ये भी। मौसम देख रहे हो ना कितना अच्छा हो गया यार, वाह श्रीनगर। कपड़े न उड़ जाए, मैं बागा बागा आया जब मेरे को पता लगा ना, मेरे तो नहीं है कोई ना, शुक्र है। वो यार इतने कपड़े थे मेरे, किधर गए सारे, उड़ गए। चलो मैं कपड़े ढूंढता हूँ बाद में मिलता हूँ, कपड़े उड़ गए सारे यार।
छत में इतने कपड़े देखे थे कि ओ भाई साहब उड़ ना गए हो कहीं गली में चले गए हो उड़ के, बाकी तो ठीक है ना, नीचे नहीं कोई गया। चलो मिलते हैं, कपड़े इकट्ठे कर ले अपने। वो फिर एक गिर गया। तो दोस्तों फाइनली अपना भोजन हो गया यार, गुरुद्वारे के अंदर बड़ा स्वादिष्ट भोजन बना था। और मैं मार्केट गया था, थोड़ा सा सामान लेकर आया है। एक तो मेरे पास यार चार्जर नहीं था, चार्जर लेकर आए, चार्जर गायब हो गया, पता नहीं किधर चला गया। और ये विटामिन ई के कैप्सूल लेकर आया हूँ। सो इस सुना है कि इससे हेयर की प्रॉब्लम और स्किन ग्लोइंग अच्छी हो जाती है। एक ये लेकर आया है गार्नियर का, दो तीन चीज़ें लेकर आया, एक ये भी लेकर आया यार। तो ये तीन चार चीज़ें हम बाय करके लाए। और गर्मी बहुत है, अपने कपड़े सूख गए हैं भाई, पैक के अंदर पैक कर दिए हैं। तो सुबह हम रेडी हैं, सुबह 6:30 बजे जाएंगे इधर से, बस निकलेगी इधर से। हाँ तो सुबह सुबह ही चलती है यार। हम कल बोल रहे थे ना कि उत्तराखंड में बहुत ज्यादा समस्या है। सच में यार समस्या यही है कि डे को कोई बस ही नहीं मिलती, अगर कोई मिलती है कोई बैठाता ही नहीं। आज के ब्लॉग में आपने देखा कैसे हम धक्के से बैठे, पुलिस वाली चौकी ने रोक लिया था, तो पुलिस वालों का धन्यवाद। तो अभी हम सोते हैं यार, रेस्ट करते हैं। और क्या कहते हैं, और बाबा नानक की कृपा देखो यार कैसी, के जिस भाई को हम मेघालय में मिले थे ना, जिन्होंने हमें गुरुद्वारे में रहने के लिए परमिशन दी थी कि इधर रहो आप 3-4 दिन, है ना, जो भाई मिले थे आपने देखा होगा मेघालय वाले ब्लॉग में, वो भाई इधर ही काम करते हैं। सुबह मिलाऊंगा उनसे मैं। तो तब तक के लिए जय भारत जय किसान, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।